चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, यही कर रहे थे। अब इस क्रम में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों को डिवीजन यानी भाग देना सीखा, है ना। अब डिवीजन तो आप सभी को आते हैं भाग देने, तो पूर्णांकों का भाग देना कुछ अलग कैसे है? देखो, पूर्णांकों के जोड़, पूर्णांकों पे कोई भी संक्रिया, जोड़ घटाओ गुना भाग, इसका नियम थोड़ा अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि पूर्णांक में दो तीन तरह के नंबर होते हैं, जैसे एक नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, और जीरो। ये तीन तरह के नंबर आ जाते हैं। तो नेगेटिव संख्या को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे क्या होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे क्या होगा, तो इसलिए इसका रूल थोड़ा सा अलग होता है। तो डिवीजन में जो भी रूल हमने लास्ट क्लास में सीखा था, जल्दी जल्दी मैं करके एक एक करके रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी की क्लास, जैसे आप सभी में कुछ बच्चे बोल रहे थे कि लास्ट क्लास उनकी छूट गई थी, तो ध्यान से सुनिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो आपने ये सीखा था कि अगर मैं एक नेगेटिव, या मैं पहले पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर से दूसरे पॉजिटिव यानी एक धनात्मक संख्या से दूसरे धनात्मक संख्या को भाग लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा आपको, जो डिवाइड करके आएगा, वो भी पॉजिटिव ही आएगा, है ना, वो भी पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ ना कि अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँ तो आप क्या लिखोगे? सर 10/5, ये 5 को काटोगे दो बार में, आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। आपने 2 लिख दिया, तो क्या देखा? पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड किया तो पॉजिटिव ही आया, धनात्मक ही आया। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव से आपने डिवाइड किया तो क्या आएगा? अगर मैं -/- लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से, चैट में लिख के बताइए। ये लास्ट क्लास में सिखाया था ना, एक ऋणात्मक संख्या को दूसरे ऋणात्मक से डिवाइड करोगे तो जैसा गुना का नियम था वैसा ही भाग का भी नियम था, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। उदाहरण से कैसे आप समझ सकते हो? आप बोलोगे सर मान लो आपके पास -10 है, नीचे मैं -5 लिख रहा हूँ, मतलब नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, -10 को -5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा? ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर भी 2 आएगा, 10/5 करने का मतलब 2 आया। तो आपने क्या देखा, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो पॉजिटिव ही आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ एक पॉजिटिव नंबर, है ना, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से आप भाग लगा रहे हैं, है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा बताइए, कैसा आएगा, बस साइन बताइए, तो इसका आंसर नेगेटिव आता है ना। पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। जैसे आप कह सकते हो कि सर मैं अगर 10 को मैं 10 ले लिया और इसको -5 से डिवाइड करूँ, है ना, पॉजिटिव को देखो नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस है, गुना में भी प्लस माइनस मिलकर माइनस होता था, तो यहाँ भी वही होगा। तो आप बोलोगे सर 5 को 10 से डिवाइड, 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो ये तो मैं 2 लिख दिया। लेकिन आपको एक चीज और बताया जा रहा था ना कि यहाँ पर जो माइनस दिख रहा है, ये जो माइनस है वो भी तो यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर क्या था, अगर मैं एक माइनस के नंबर को, है ना, नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव से डिवाइड कर दूं, ऋणात्मक संख्या को धनात्मक से डिवाइड कर दूं, तो -/+ भी आप लिखोगे तो भी ये माइनस ही आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे कि मैं कह सकता हूं ना कि अगर आपने माइनस के 10 को 5 से डिवाइड किया तो आप लिखोगे 2, और ये जो माइनस आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला माइनस, तो ये माइनस यहाँ लगा दोगे। तो आपने देखा 2 केस में पॉजिटिव आया, 2 केस में नेगेटिव आया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव रहेंगे तो नेगेटिव आएंगे, ठीक है। तो डिवीजन में भी बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन वाला ही नियम चलता है, ठीक है। तो ये समझ में आया सभी को, इतनी चीजें क्लियर है, लास्ट क्लास में भी हमने यही सीखा था, ठीक है। तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं 2 आंसर मुझे बताइए जल्दी से, अगर मैं माइनस, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं -36 को -4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, -36 को -4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा? तो आप लोग कह रहे हो 9 आएगा, है ना, 9 आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा और 9 आएगा। वही मैं आपसे पूछूं कि 36 को मैं माइनस के 4 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा, 36 को माइनस के 4 से डिवाइड करूंगे तो फिर यहाँ पर 9 लिखोगे और बोलोगे ये जो माइनस है सर ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 9 आएगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव डिवाइड होके नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में कर रखी है। अभी मैं एक और टाइम वाला क्वेश्चन भी करवाया था ना सभी को, एक टाइम वाला क्वेश्चन भी करवाया था लास्ट क्लास में,
मिनट को घंटे में बदलने के लिए या घंटे को मिनट में बदलने के लिए, तो उसी से मिलता जुलता एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। पोल सेक्शन में आपको आंसर देना है, सभी लोग पोल में आंसर देंगे, जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी लोग पोल में आंसर देंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन। 360 सेकंड को आप मिनट में बदलोगे तो कितना मिनट होगा? 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं बताइए। तीन सौ साठ सेकंड में कितने मिनट होंगे? 6 मिनट होंगे क्या? 12 मिनट होंगे? 16 मिनट होंगे या 36 मिनट होंगे? और ध्यान यही देना है कि सभी के आंसर सही हो, ठीक है। और आंसर तो सभी को करना है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिए, तीन डॉट पे क्लिक करना है जो नीचे में आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दाएं तरफ वहां पर क्लिक करिए। एक ऑप्शन एक्टिविटी का खुलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर वन पोल एक्टिव पर क्लिक करना है, ठीक है। वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको चार ऑप्शंस दिखेंगे, ए बी सी डी। वहां पर जो भी आपको सही लग रहा है उस पर आपको क्लिक करके वोट करना होगा, ठीक है। वोट पर क्लिक करना होगा तभी आंसर आएगा। अभी भी चार लोगों का आंसर नहीं आया है। अब जैसे ही आंसर करते हो ना, मुझे पता चल जाता है कि आपने आंसर दे दिया है। जिन्होंने दे दिया है वेरी गुड, ठीक है। थोड़ी देर वेट करना है जो नहीं दिए हो, और जो भी चार या पांच बच्चे आंसर नहीं देते हो, मुझे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कठिनाई आ रही है, आपको लगता है सर समय कम मिल रहा है इसके कारण मैं नहीं कर पा रही, ठीक है, या फिर आपको अगर लगता है कि मुझे समय ज्यादा लग रहा है ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हो क्लास के एंड में। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। अभी भी तीन लोगों का आंसर नहीं आया है, जो भी तीन लोग नहीं किए हो जल्दी से आप आंसर करो, ठीक है। अब दो ही लोग का आंसर नहीं आया, 5 सेकंड और रुकेंगे। 5 4 3 2 1, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन में सभी लोगों ने आंसर दिया, ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे ज्वाइन हो सभी लोगों ने आंसर दिया, तो आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक पोल में आंसर दिया आगे से नहीं दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जितने भी पोल पूछे जाएंगे सभी के आंसर देनी है, ताकि आपकी एक अच्छी रिपोर्ट जनरेट हो, है ना। चलिए इसको समझते हैं। तो ये देख, बोला जा रहा है 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो इसको दो तरीके से करते हैं, ठीक है। दो तरीका से आप इसको कर सकते हो। पहला तरीका क्या होगा, बोलोगे सर मुझे ये पता है कि 60 सेकंड में, है ना, 60 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, ये बताइए जल्दी से। 60 सेकंड में कितने मिनट होंगे, चैट में लिख के बताइए। आप बोलोगे सर 60 सेकंड में 1 मिनट होता है ना, 1 मिनट होता है, ठीक। तो आप बोलोगे 1 सेकंड में, अगर मैं ऐसे लिखूं 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना मिनट होगा, आप लिखोगे 1/60, है ना। ऐसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था यूनिटरी मेथड करने, है ना। ये 60 जो है ये नीचे चला जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया 1/60, 1 में 60 से भाग लगा दिया। फिर मैं अगर बोलूं कि अगर आपसे 360 सेकंड, 1 सेकंड में 1/7 है, मान लो आपको कह रहा है कि एक पेन का दाम 5 रुपए है, तो 3 पेन के दाम कितने हो जाएंगे, आप 3 में 5 से गुना कर दोगे 15 हो जाएंगे। तो उसी तरीके से 1 सेकंड में अगर 1/60 है, तो आप बोलोगे कि सर 360 सेकंड में कितना हो जाएगा, 360 सेकंड में आप इससे गुना कर दोगे, 1/60 गुना 360, इतना मिनट। और इसको सॉल्व करने का मतलब कितना है, 360/60, है ना, 360 को 60 से भाग देना है, तो 360/60 कितना होगा, 1 0 तो मैं ऐसे कैंसिल कर दिया, अब 36/6 बचा, है ना, 36/6 बचा, और 36 को 6 से भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा, तो 36 को 6 से आप भाग लगाओगे तो 6 6 36 होता है ना, बोलोगे 6 आएगा, तो 6 मिनट हमारा आंसर आया। ये क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऐसे कर लिया, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका काफी आसान है, 1 मिनट मतलब बहुत जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। बोलोगे सर मुझे पता है कि आप दिए हो 360 सेकंड, आपने लिखा सर 360 सेकंड, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से भाग लगा देते हो, 60 से भाग लगाए तो ये जो सेकंड था
या मिनट में बदल गया, तो ये सीधे याद रख सकते हो, यहां से भाग लगाओगे ये सीधे आंसर आ जाएगा 6 मिनट। ठीक है, ये क्लियर है। तो सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछ लूं, मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूं, मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं बोलूं 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे सर सेकंड को मिनट में बदलना है, तो 180 में 60 से भाग लगा दो, है ना। तो 60 से भाग लगाओगे तो कितना मिलेगा, 3 मिनट, है ना। आप बोलोगे सर 3 मिनट हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, सिर्फ 3 नहीं लिखना है, 3 मिनट लिखना है। ठीक है, ये सभी में मिनट आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए, ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में कर रखा है। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज क्या पढ़ना है हमें, नंबर लाइन। ठीक है, अब जैसा इसका नाम है संख्या रेखा, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है ना, संख्या रेखा नंबर लाइन। इसमें दो चीज देखो, नंबर लाइन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ना, एक संख्या है और एक रेखा है। ठीक है, नंबर है और लाइन है, तो बिल्कुल जैसा नाम है वैसा ही इसका परिभाषा है। आप कह सकते हो जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, मतलब उसको दर्शाते हैं, उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो उस लाइन को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, जब किसी लाइन पर संख्याओं को रिप्रेजेंट करेंगे, उसको दर्शाएंगे, तो ऐसे लाइन को संख्या रेखा या नंबर लाइन कहते हैं। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको कि मान लो मैं ऐसे अगर एक लाइन बना दिया, ठीक है, अगर मैं ऐसे एक लाइन बना दिया, तो अगर मैं इस पर कुछ नंबर लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं 3, यहां पर मैं लिख दूं 8, यहां पर मैं लिख दूं 4, यहां पर मैं लिख दूं 2, यहां पर मैं लिख दूं 0, यहां पर मैं लिख दूं 20, तो ये नंबर लाइन है क्या? नंबर लाइन ऐसा होता है क्या, ये बताइए, हाँ या नहीं? तो इसे आप नंबर लाइन नहीं कहोगे, बोलोगे यहां पर देखो रेखा तो है, नंबर भी है, लेकिन ये नंबर लाइन संख्या रेखा ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर जो नंबर होते हैं ना, वो सिक्वेंस में होते हैं, क्रम के अकॉर्डिंग होते हैं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्रम के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हुए होंगे, क्रम में होना चाहिए, तो ऐसा लिखना गलत होगा। ठीक है, ऐसे संख्या रेखा नहीं बनता। तो क्रम के अकॉर्डिंग लिखने का मतलब क्या हुआ, आप इस तरीके से एक नंबर लाइन, एक लाइन बना दिए। ठीक है, अब इस पर कहीं पर भी आप सबसे पहले 0 लिख दो, कहीं पर भी आपने 0 लिख दिया, यहां पर 0 लिख दिया। ठीक है, तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस नंबर पे हमने कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट किया, अभी तक सिर्फ 0 को दर्शाया है। अब 0 से थोड़ी दूर पर, कितनी भी दूरी पे आप एक नंबर लिख दो दाएं तरफ, है ना, राइट साइड पे, राइट साइड पे हम लोग पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं और नेगेटिव इधर लिखेंगे, जिसके बारे में थोड़े देर में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेगेटिव नंबर की अभी बात नहीं कर रहे, अभी बस पॉजिटिव के बारे में देख। ठीक है, तो दाएं साइड पे मैं यहां पर 1 लिख दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैं 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि ये जो दूरी आपको दिख रही है 0 और 1 के बीच की, इस दूरी को आप क्या कहते हो, इस दूरी का कोई स्पेशल नाम है क्या? तो बिल्कुल, आप बोलोगे सर इस दूरी को, 0 और 1 के बीच की दूरी को इकाई दूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, इकाई दूरी कहते हैं, या आप बोलोगे सर इसे एकमात्रक दूरी कहते हैं, दोनों ही लिखना सही होगा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलोगे, इंग्लिश में आप लिखते हो इसे यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ये सभी ने नोट कर लिया, तो 0 और 1 के बीच के दूरी को क्या कहेंगे, इकाई दूरी, एकमात्रक दूरी और यूनिट डिस्टेंस, इनमें से कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक, अब क्या करेंगे, एक के बाद जितनी दूरी पे आपने, जो दूरी आपका 0 और 1 के बीच का था, इतना ही बराबर दूरी पर एक और नंबर लिखोगे, यहां पर इस नंबर को आप क्या नाम दोगे, बताइए जल्दी से, इस नंबर को आप क्या नाम दोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, इस बक्से में चैट में लिख के बताइए जल्दी से। आप बोलोगे सर यहां पर 2 आएगा, है ना, तो इस नंबर का आप नाम दोगे 2। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या है, ध्यान यह देना है, जितना दूरी 0 और 1 के बीच का था, उतना ही दूरी 1 और 2 के बीच का होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहां पर आप 3 लिखोगे उतनी ही दूरी पे। ठीक है, उतनी ही दूरी पे आप 3 लिखोगे, फिर उतनी ही दूरी पे आप क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, तो इस तरीके से आप बढ़ते जाओगे दाई तरफ। ये समझ में आया? तो इस तरफ हम दाई तरफ बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो इसे हम लोग नंबर लाइन कह सकते हो। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, 0 1 2 3 4 को दर्शाया गया है, और भी हम लोग आगे तक दर्शा सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है?
इतनी बातें क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंदु तीन और चार, तीन और चार के बीच की दूरी कितनी होगी? तीन और चार के बीच की दूरी कितनी होगी? ये भी इकाई दूरी होगी क्या, हाँ या ना? एकमात्रक दूरी होगी, एकमात्रक दूरी होगी क्या? तो बोलोगे यस सर। तो किसी भी दो लगातार बिंदु, ना ये ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो क्रमागत, कोई भी दो लगातार नंबर में लिख दो। क्रमागत कहने का मतलब क्या हुआ? क्रमागत कहने का मतलब हुआ लगातार, है ना, कंजिग्यूटिव। तो लगातार कोई भी दो नंबर आप ले लो, उनके बीच की दूरी एकमात्रक दूरी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं पांच और छह के बीच की दूरी, तो आप क्या बोलोगे? एकमात्रक दूरी। ठीक है, अगर मैं बोलूं 100 और 101 के बीच की दूरी, है ना, 100 और 101 के बीच की दूरी, तो आप बोलोगे ये दोनों लगातार नंबर है ना, तो बोलेंगे एकमात्रक दूरी होगा, इकाई दूरी होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं किसी और लगातार नंबर नहीं रहेगा तो एकमात्रक दूरी नहीं होगा, वो हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो इतना क्लियर हुआ कि कोई भी दो लगातार नंबर रहेंगे तो उसके बीच की दूरी को आप इकाई मात्रक दूरी या एकमात्रक दूरी कहोगे। ठीक है, चलिए, तो ये जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई गई ना, एक एक करके जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जीरो को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आप बोलोगे नंबर लाइन पे सबसे पहले सर हमने जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आप दाईं तरफ एक नंबर लिखोगे, एक, और एक नंबर लिखकर आप बोलोगे इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे, एकमात्रक दूरी कहेंगे। ठीक है, एकमात्रक दूरी कहेंगे। इस पेज की जल्दी से तो आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ये सारी चीज आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, ये ले लिया सभी ने, एकमात्रक दूरी, दो, जीरो और एक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, एकमात्रक दूरी कहेंगे। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि एक के बाद हमने दो को रिप्रेजेंट किया सर, एक के बाद हमने दो को रिप्रेजेंट किया, और इसके बीच की भी जो दूरी होगी इसको भी आप बोलोगे सर एकमात्रक दूरी ही होगा, एकमात्रक दूरी ही आप कहोगे इसके बीच की दूरी होगी। ठीक है, क्योंकि एक और दो क्या है, एक और दो लगातार नंबर है, एक और दो लगातार नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ते गए। आपको ये बता रहा था ना कि सर पहले आपने आवाज जीत, नहीं आ रही। सर अच्छा आवाज आ रही है यानी, पहले चैट में लिख के कंफर्म करिए सभी लोग, सभी लोग कंफर्म करिए आवाज आ रही है नहीं, आवाज आ रही है जिनको भी नहीं जा रही ना, एक बार आपको यही करना है, कई बार बताया जा चुका है ना आपको, एक बार लिफ्ट करिए, जल्दी से ज्वाइन करिए, आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलिए, बाकी सभी को जा रही है, अच्छा दो लोग को नहीं जा रही, एक मिनट मैं चेक कर ले रहा हूं। अभी क्लियर है? आरती और रोहतास के नाम से जो बच्चे हो, आरती और रोहतास के नाम से जो बच्चे हो, आप दोनों को ही प्रॉब्लम थी, आप दोनों बताओ, अब आ रही है आवाज, आ गई ना? ठीक है, चलिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपने बोला सर जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, तो हम लोग आगे कहां तक बढ़ते जाएंगे? आगे इनफाइनाइट, अनंत तक आप बढ़ते जा सकते हो, है ना, इसका कोई सीमा नहीं है, है ना, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, आगे आप अनंत तक बढ़ते जा सकते हो। ठीक है, अच्छा रोहतास आपको अगर आवाज नहीं आ रही तो एक बार आप लिफ्ट करके ज्वाइन करो, आ जाएगी। ठीक है, बाकी सभी को आवाज क्लियर है, तो नेटवर्क के कारण ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क आपको नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से आगे हम लोग नंबर रिप्रेजेंट करते जाएंगे और उसका कोई अंत नहीं होगा, है ना, तो आप आगे दाईं तरफ बढ़ते जा सकते हो, इतना क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि आगे हम लोग कोई भी पूर्ण संख्या तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक, दो, तीन, चार, पांच, इसको क्या कहेंगे? तो अगर मैं लिखूं इस तरीके से, मैं कोई एक नंबर लाइन बना दूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं ऐसा एक नंबर लाइन बना दूं जहां पर मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, है ना, पहला नंबर मैं जीरो लिख रहा हूं, फिर मैं लिख रहा हूँ एक, फिर मैं लिख रहा हूँ दो, फिर मैं लिख रहा हूँ तीन, फिर मैं लिख रहा हूँ चार, फिर मैं लिख रहा हूँ पांच, है ना, और ये आगे तक बढ़ते जा रही है, तो इस वाले नंबर लाइन को आप क्या कहोगे? ये जो नंबर लाइन है ये पूर्ण संख्याओं का नंबर लाइन है। ठीक है, इस पर हमने क्या दर्शाया है? पूर्ण संख्याओं को दर्शाया है, और यहां पर आपको एक तीर का निशान बनाना होगा जिससे ये पता चले कि ये संख्या आगे की तरफ बढ़ते जा रही है, कभी खत्म नहीं होगा। क्लियर हुआ? पूर्ण संख्याओं के संख्या रेखा को ऐसे दर्शाएंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे,
ये तीर का निशान जो लगाया गया है ये बहुत जरूरी है। तीर का निशान दिखाता है कि आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि पूर्ण संख्या को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलिए जल्दी से मुझे प्राकृतिक संख्याओं के नंबर लाइन, प्राकृतिक संख्या को दर्शा के बताइए, ये बताइए पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं के नंबर लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप कहां से स्टार्ट करोगे। आप इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाओगे, है ना। आप स्टार्ट कहां से करोगे, पहला संख्या क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर एक से स्टार्ट करेंगे, है ना। एक लिखोगे, फिर दो लिखोगे, फिर तीन लिखोगे, बराबर दूरी पे सारे नंबर होने चाहिए, ठीक है। हाँ बताइए रीना के नाम से जो बच्चे हो आप बताइए, क्या आप बोल रहे, कुछ बोल रहे हो क्या। नहीं दिख रहा सभी को, स्क्रीन मेरी विजिबल है, स्क्रीन मेरी दिख रही है। हो सकता है आपको नेटवर्क के कारण नहीं दिख रहा, तो एक बार आप लेफ्ट करो, ज्वाइन करो। सभी लोग बताइए स्क्रीन दिख रही है ना, स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही, ठीक है। अगर मेरे तरफ से कोई भी प्रॉब्लम होगा पहले मुझे पता चल जाता है, जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। अच्छा जिन बच्चों को भी स्क्रीन नहीं दिख रही ना, एक बार लेफ्ट करो, फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि एक दो बच्चे बोल दो जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो एक बार लेफ्ट करिए, ज्वाइन कीजिए, फिर से सही हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, और जल्दी से ज्वाइन कर लेना है आप सभी को, क्योंकि जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूँ सभी को स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आपको प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करना है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होता है ना। एक से स्टार्ट होता है, बोलोगे एक से स्टार्ट करते हैं गिनती की संख्या है ना, ये सारी चीज आपको बताई गई थी। तो आप बोलोगे एक से अगर मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, तो ये वाले जो नंबर आपको दिख रहे हैं इसे आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्याओं के नंबर लाइन है। तो ये क्लियर हुआ, ये समझ में आया। अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से लिख के आगे बढ़ते जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे ये पूर्ण संख्याओं का नंबर लाइन है, ठीक है, ये पूर्ण संख्या का संख्या रेखा है। लेकिन अगर मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या का नंबर लाइन है, प्राकृतिक संख्या का संख्या रेखा है, ठीक है, ये क्लियर है। तो अब मैं आपसे पूछूं दूरी के बारे में बात करता हूँ। कोई दो नंबर के बीच में अगर आपसे दूरी पूछ ली जाए, मतलब अगर मैं कह रहा हूं, अच्छा आप बताइए स्क्रीन सभी को दिख रही है ना, जो भी बच्चे, भावना बाकी बच्चे बताइए, अब स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो आपको लेफ्ट करना है, ज्वाइन करना है, दिखने लगेगी, चलिए ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी बताइए। अगर मैं किसी दो पॉइंट के बीच का दूरी आपसे पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, देखो दो तरीका है। पहला आप कहोगे सर 1 कहाँ पर है, 1 ये वाला नंबर है ना, 1 यहाँ पर है, 4 ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को 4 बोलोगे। तो इसके बीच की दूरी आप कैसे काउंट करोगे, आप बोलोगे सर ये 1 यूनिट दूरी है, 1 इकाई दूरी है, ये है ना, तो बोलोगे 1 प्लस 1 प्लस 1। तो 1 को अगर मैं 3 बार जोड़ दूं तो क्या मिला, 3 इकाई दूरी, इतना बताइए 3 मात्रक दूरी, ये लिखना सही होगा, ये क्लियर है सभी को, ठीक है। आपने क्या किया, 1 और 4 के बीच का गैप देख लिया, कितना का गैप है, आप बोले 1 2 3 यूनिट दूरी है। लेकिन क्या हमेशा पॉइंट रिप्रेजेंट करके ही काउंट करोगे क्या, अगर मैं मान लो बहुत बड़ा बड़ा नंबर दे दूं तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, ठीक है। यहां पर आप सीधे कहोगे सर ऐसा तो हमने कर ही लिया, लेकिन इससे बेटर आप ऐसा कर सकते थे कि यहां पर बोला जा रहा है 4, यहां बोला जा रहा है 1, तो 4 में से 1 घटा दो बस, तो यहां पर आ जाएगा 3 मात्रक दूरी, है ना, तो 3 मात्रक दूरी आ गया ऐसे, ये क्लियर है सभी को। ये हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे, 4 में से 1 घटा दिया। किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछी जाए तो आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दोगे, ठीक है। तो दूरी के लिए क्या करते हैं, दूरी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे बताइए जल्दी से, आप बड़े पॉइंट में से छोटे पॉइंट को घटा दोगे, है ना। तो कभी भी आपसे दूरी पूछी जाए तो आप घटाव करोगे,
ठीक है, ये क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं कोई दो बिंदु दे रहा हूं, मैं एक बिंदु दे रहा हूं 205 और दूसरा बिंदु मैं दे रहा हूं 328, इन दोनों के बीच की दूरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो आप इसको प्लॉट तो नहीं कर सकते, है ना? इसको पॉइंट 205 पॉइंट और 328 पॉइंट बनाकर फिर उसको गिनना नहीं है आपको, ठीक है? काफी टाइम लग जाएगा। आप क्या करोगे, सीधे सीधे बड़े नंबर में से 328 में से 205 को आप घटा दोगे, है ना? और ये जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो अंतर आ रहा है, तो 8 में से 5 गया 3 आया, 2 में से 0 जाएगा 2 आएगा, और 3 में से 2 आएगा 123 आएगा। तो सिर्फ 123 लिखना गलत हो जाएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ 123 लिखना गलत हो जाएगा। आप बोलोगे 123 मात्रक दूरी या 123 इकाई दूरी, है ना? 123 इकाई, ठीक है? और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, 123 यूनिट, है ना? यूनिट्स। ये क्लियर हुआ सभी का? इतना समझ में आया कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे किसी भी दो पॉइंट के बीच का? तो अगर ये क्लियर है तो जल्दी से मुझे ये बताइए, अगर मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं एक पॉइंट है आपके पास 512 और दूसरा पॉइंट है आपके पास 600, 600, ये बताइए मुझे 512 और 600 के बीच की दूरी कितनी होगी? एक बिंदु 512 है, दूसरा बिंदु 600 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? अच्छा, माइनस का नहीं करना है आपको, नेगेटिव माइनस 88 नहीं, बड़े में से छोटे को घटाइए ना, तो 600 में से बस आपको 512 बिंदु और 600, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है आपसे, डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आप बोलोगे 600 में से 512 घटा दो, है ना? इसको घटाओगे तो क्या मिलेगा, यहां पर आएगा 10 में से 2, ये 8, है ना? ये 9 में से 1 गया 8, और ये हमारे पास कुछ नहीं आया, तो बोलोगे 88 इकाई दूरी, है ना? 88 मात्रक दूरी। ये क्लियर है, ये समझ में आया? बोलोगे 88 मात्रक दूरी, तो किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी निकाल लोगे जल्दी से, हाँ या ना? ठीक है, तो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, काफी देख के आप आंसर बता सकते हो। बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी पूछी जा रही है। बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, जो भी बच्चे ने आंसर किया हो जल्दी से आंसर करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन तो काफी आसान, काफी जल्दी जल्दी आप आंसर कर सकते हो ये सारे। बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी, आप तो 1 सेकंड में इसको आंसर कर सकते हो। अभी भी 2 लोग का आंसर नहीं आया है, तो अब इसमें 10 सेकंड रुकते हैं, क्योंकि काफी आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे का बस आंसर रह रहा है, 5 सेकंड और रुकते हैं, आप जल्दी से आंसर दे दो। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं। संख्या रेखा पर 2 और 7 के बीच की दूरी, आपने क्या किया, दो तरीका है। पहला तरीका जो आसान है, मैं बोलूंगा बिंदु 2 और 7 पूछा जा रहा है, सर बड़ा 7 है छोटा 2 है, तो 7 में से 2 को आपने घटा दिया, बोला 5 आंसर आएगा, है ना? तो बोलोगे 5 मात्रक हमारा आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ सभी ऑप्शन में मात्रक छूटा हुआ है ना, तो मात्रक होना चाहिए, है ना? सभी जगह 5 मात्रक, 4 मात्रक, 3 मात्रक, ऐसे होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ये क्लियर है, ये समझ में आया सभी को? ऐसे सभी के आंसर मैक्सिमम सही थे, क्लियर है? तो 7 में से 2 घटा दिया, 5 मात्रक की अंतर आ गई दूरी। या दूसरा तरीका आप क्या कह सकते हो, सर 2 यहां पर है, ठीक है, 7 यहां पर है, तो इनके बीच की अगर दूरी निकालना है तो आप ऐसे काउंट कर लोगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 और ये 5, है ना? तो 1 1 1 1 और 1, इन सभी को अगर मैं जोड़ दूं
तो बोलोगे सर 5 मार्क तक दूरी हो जाएगी, है ना, तो 5 यूनिट यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी संख्या अगर दी जाएगी, मान लो 1000 और 3000 के बीच की दूरी, तो वहां पर आप नंबर लाइन बना के नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना, याद रखना है कि बड़ा में से छोटा घटा देंगे, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, दूरी निकाल लिया, अब हम लोग पोजीशन की बात करते हैं। ठीक है, पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि कौन सी संख्या किसी संख्या के दाईं तरफ होगी या बाईं तरफ होगी। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ इतना कि आप बता सकते हो क्या कि 7 जो है वो 4 के दाईं ओर आएगा, राइट साइड आएगा, या बाईं ओर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, इतना बता सकते हो क्या? 7 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर आएगा? तो आप बोलोगे 4 से पूछा जा रहा है सर, 4 के दाईं या बाईं, तो 4 को रेफरेंस लेना, मतलब 4 पर आपको खड़ा होना है। जैसे आप सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, एक तरीका तो ये होगा कि आप इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। आप बोलोगे सर यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0, है ना, यहां पर आप लिखोगे 0, फिर 1, ठीक है, फिर आपने लिखा 2, ठीक है, फिर आपने लिखा 3, फिर आपने लिखा 4 5, ठीक है, 6 और 7, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। अब मुझे बताइए 7 आपको किधर दिख रहा है, 4 से 4 यहां पर आपको दिख रहा है, तो आप 4 पर मान लो आपने खड़े हो गए यहां पर, तो 7 किधर है, 4 के इस तरफ है, तो इस तरफ है, तो ये क्या बोलोगे, ये राइट साइड है ना, ये दाईं तरफ है, ठीक है, ये दाईं तरफ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं, ये तो आप सभी को पता है ना, इधर जो है ये राइट है, इधर दायां हाथ है, इधर बायां हाथ है, इधर लेफ्ट है ना, तो ये बाईं साइड हो गई और ये दाईं साइड हो गई, ठीक है, ये क्लियर है। तो 7 जो है 4 के दाईं तरफ है। यही मैं अगर उल्टा पूछ लूं, मुझे जल्दी से ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 7 के किस ओर है, अगर मैं ऐसा पूछता 4 7 के किस ओर है, तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं 7 से पूछ रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 7 से रेफरेंस ले रहा हूं, 7 पर आप अगर खड़ा होगे तो आपको दिखेगा अगर 7 4 के दाईं तरफ है तो 4 7 से बाईं तरफ हो जाएगी, है ना, तो आप बोलोगे सर ये बाईं तरफ है, इतना क्लियर है, लेफ्ट साइड है, इतना क्लियर है। तो कोई भी नंबर बोलूंगा तो आपको पता चल जाएगा, इतना क्लियर। ये बताइए, देखो यहां पर हमने क्या किया, नंबर लाइन बना के ड्रॉ कर लिया, लेकिन क्या ऑलवेज आप नंबर लाइन बना के ड्रॉ करोगे, या हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ बनाकर ही देखोगे आप? नहीं, तो आप सीधे बोलोगे सर हमें क्या दिखता है कि जब भी हम दाईं तरफ जाते हैं, जब भी आप दाईं तरफ जाओगे नंबर बड़ा होते जाएगा, है ना, नंबर क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। जब भी आप बाईं तरफ आओगे, है ना, इधर से इधर तरफ आओगे, तो नंबर क्या होगा, छोटा होते जाएगा, है ना, नंबर छोटा होते जाएगा, है ना। तो बाईं दाईं तरफ क्या होगा, नंबर बड़ा होगा, बाईं तरफ नंबर छोटा होगा। जैसे आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 212 305 के किस ओर स्थित है, ठीक है, किस ओर स्थित है, तो आप बोलोगे सर 212 305 से छोटी है, 305 से छोटी है ना, 305 से अगर छोटी है तो जो भी छोटी नंबर होगी, है ना, अगर 305 से कंपेयर कर रहे हो तो बोलोगे 212 छोटा है, तो जो भी छोटा नंबर होगा वो बाईं तरफ होगी, है ना, वो बाईं तरफ होगी, तो इसको ध्यान रखना है। तो छोटा नंबर बड़े नंबर के बाईं तरफ होगा, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जो भी छोटा नंबर होगा, ठीक है, वो बड़े नंबर के बाईं तरफ स्थित होगी, ठीक है, और जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा नंबर के दाईं तरफ स्थित होगी। ये क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 305 212 के 305 212 के किस ओर स्थित है, ये आंसर आप क्या बोलोगे? अगर मैं थोड़ा सा इसको उल्टा कर दिया तो इसका आंसर आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे 212 से पूछा जा रहा है सर, तो बोलोगे 305 क्या है 212 से, 305 कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? आप बोलोगे 305 बड़ा है, तो बड़ा है तो दाईं तरफ होगी, है ना, बड़ा है तो दाईं तरफ होगी, राइट साइड होगा। ये क्लियर है? तो बड़ी संख्या दाईं तरफ होगी, छोटी संख्या बाईं तरफ होगी।
इतना क्लियर है। जो छोटी संख्या होगी वो हमारा लेफ्ट साइड होगा, जो लार्ज नंबर होगा, जो बड़ा संख्या होगा वो राइट साइड होगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी दो संख्या दे दूं तो आप बता दो कि ये संख्या उसके बाईं तरफ है या दाईं तरफ है। जितना भी आप दाएं जाओगे, जितना भी आप राइट साइड जाओगे, है ना, यही चीज यहाँ दिखाया गया है, जितना भी आप दाएं तरफ जाओगे संख्या हमारी बड़ा होती जाएगी, जैसे ही आप बाएं तरफ आओगे संख्या हमारी छोटी होती जाएगी। ठीक है, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस पेज के स्क्रीनशॉट लोके मुझे यस लिख के बताइए, जल्दी से आप लिख के मुझे यस बताइए अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो। फिर अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, पोल में आंसर देना है आपको, बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा, सभी लोग आंसर दीजिए। मुझे बस इतना बताइए कि संख्या रेखा पर जो दो नंबर है वो सात के किस ओर स्थित है ना, तो सात से आपको देखना है कि दो किधर होगा, तो आंसर कहाँ करोगे, पोल सेक्शन में करना है। आंसर करिए, संख्या रेखा पर दो सात के किस ओर स्थित है, दो सात से कैसा है, छोटा है या बड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। अभी आपको बताया गया था, या फिर आप रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंट करना आप हमेशा नहीं कर पाओगे, अगर बहुत बड़ी सी संख्या दी जाएगी तो आप रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप सीधे देखोगे कि वो छोटा है कि बड़ा है, ट्राई करिए। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि काफी आसान से क्वेश्चन है ना, तो ट्राई करो कि आपका आंसर सही हो, क्योंकि ये सारे एक रिकॉर्ड मेंटेन की जाएगी, हो सकता है कि ये सारे रिकॉर्ड आपके स्कूल में दी जाए, है ना, तो वहां आपका एक अच्छा रिजल्ट बने, अच्छा रिपोर्ट आए, तो इसलिए आपको ध्यान से आंसर करना है। ठीक है, अभी भी चार लोग के आंसर नहीं आए, जल्दी से आंसर करो, काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन में आपको कुछ कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, अधिक सॉल्व नहीं करना, देख के आप आंसर बता सकते हो। तो 5 सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। देखिए काफी बार क्या होता है, आप में से कुछ बच्चे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर किए हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं किए हो, तो ये चीज नहीं करनी है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग, है ना। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और आपका चैट सेक्शन अब ओपन है। देखिए यहां पर मैक्सिमम सभी का आंसर सही है, आप सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो कि सर पूछा जा रहा है नंबर दो जो है वो सात के किस ओर स्थित है, सात से रेफरेंस लिया जा रहा है ना, सात से पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे दो सात से बड़ी है या छोटी है, मुझे बताइए बड़ी है या छोटी है, ये बताइए, दो सात से छोटी है, आप बोलोगे स्मॉल है सर, है ना, छोटा है, तो दो अगर सात से छोटा है तो दो सात के बाईं ओर आएगी, है ना, आप बोलोगे दो सात के बाईं ओर आएगी, है ना, तो आप बोलोगे इस तरीके से, आपने अगर रिप्रेजेंट भी किया तो दो यहाँ लिखोगे, 3 4 5 6 7, तो आप देखोगे सात यहाँ है, सात के बाईं ओर दो है ना, तो सात के बाईं ओर दिखेगी आप दो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये क्लियर है, तो छोटी संख्या बाईं ओर रहेगी, बड़ी संख्या दाईं ओर रहेगी। ठीक है, चलिए ये समझ में आया, इतना क्लियर है। चलिए तो ये तो हमने सीख लिया कि पोजीशन आपने सीख लिया दाया बाया, किसी भी दो पॉइंट के बीच का दूरी आपने निकालने के लिए सीख लिया, अब मुझे बताइए। अच्छा और एक क्वेश्चन पूछ ले, होमवर्क में आप कर लेना, ठीक है, अभी ये सीख लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम संख्या रेखा पर सिर्फ पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं, क्या सिर्फ पूर्ण संख्या ही निरूपित होगा क्या, तो आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या ही नहीं, प्राकृतिक संख्या को भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, प्राकृतिक को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सारे नंबर प्राकृतिक संख्या हो गए, जीरो को भी ले लिया तो ये पूर्ण संख्या हो गए। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या हम नंबर लाइन पर
पूर्णांक को दर्शा सकते हैं क्या? हाँ या ना? यस या नो? आप बोलोगे पूर्णांक में कैसा नंबर आता है सर, ये पूर्ण संख्या तो सारे आएंगे ही, और कुछ नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। नेगेटिव आएगा, जीरो आएगा और पॉजिटिव आएगा, तीनों ही आएगा। तो नेगेटिव नंबर को भी दर्शाया जा सकता है ना? जो ऋणात्मक संख्याएं थी उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। अभी तक हमने उसके बारे में नहीं देखा, अभी सीखते हैं। तो नेगेटिव नंबर कैसा होता है ये बताइए, नेगेटिव नंबर जीरो से बड़ा होता है कि छोटा होता है? आप बोलोगे नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है। ठीक, आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं जीरो से छोटी होती है। तो मुझे बताइए नेगेटिव नंबर को आप जीरो के दाईं ओर लिखोगे कि जीरो के बाईं ओर लिखोगे, ये बताइए, राइट साइड लिखोगे या लेफ्ट साइड लिखोगे? आपने यहां पर जीरो लिख दिया, ठीक है, आपने यहां पर जीरो लिख दिया। अब मैं नेगेटिव नंबर को अगर लिखूं, ऋणात्मक संख्या है जो माइनस का चार, माइनस का तीन, माइनस का दो, माइनस का एक, इसको आप किधर लिखोगे? तो सारे नेगेटिव नंबर जीरो से छोटे होते हैं। तो आपको पता है कि छोटी संख्या को हम लोग किसी भी बड़ी संख्या के बाईं तरफ लिखते हैं, है ना, बाईं तरफ लिखते हैं। तो जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे सभी इधर आएंगे, है ना। तो इधर आप लेफ्ट साइड, है ना, बाईं तरफ आप सभी नेगेटिव नंबर को दर्शाओगे। कैसे दर्शाते हैं? तो आपका तरीका क्या होगा, आप यहाँ पर एक लिखोगे, इधर आप पॉजिटिव का एक लिखोगे, दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर लिखोगे, है ना, बड़ी संख्या रहेगी। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, माइनस का एक लिखोगे, ठीक है। यहाँ आपने दो लिखा, ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे ये बताइए, इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे, इस बॉक्स में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सर ये वाला माइनस का दो होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं मिटा के लिख रहा हूँ माइनस का दो, ठीक है, ये माइनस का दो होगा, ठीक है। यहां पर मैं तीन लिख रहा हूँ, ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे, माइनस का तीन लिखोगे, ठीक है। यहां पर आप चार लिखोगे, यहां पर आप माइनस का चार लिखोगे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब आपको ये पता है कि इस तरफ आप बढ़ते ही जा सकते हो अनंत तक, है ना, इधर आप तो बढ़ते जा सकते हो अनंत तक, बढ़ते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। तो इस साइड भी आप बढ़ते जा सकते हो अनंत तक। तो दोनों ही तरफ इस बार तीर का निशान लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये दोनों तरफ तीर का निशान आपको लगाना पड़ेगा, जिससे ये पता चले कि दोनों ही तरफ से नंबर अनंत तक बढ़ते जाएंगे। तो ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है, ये नंबर लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताइए। ये जो नंबर लाइन आपको दिख रहा है ये पूर्णांक को दर्शा रहा है। तो ये पूर्णांकों का नंबर लाइन है, पूर्णांकों का संख्या रेखा है। ये समझ में आया पूर्णांकों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अगर कभी आपसे बोला जाए पूर्णांकों का नंबर लाइन बनाइए, तो आप पहले जीरो लिखोगे, दाईं तरफ पॉजिटिव लिखोगे, बाईं तरफ नेगेटिव लिखोगे। अच्छा, पूर्णांक का नंबर लाइन बनाते वक्त मुझे इतना बताइए, अगर मुझे पूर्णांक का नंबर लाइन बनाने के लिए बोला जाए तो मैं यहां पर 2.5 दिखा सकता हूं क्या? बताइए यस या नो? अगर आपको पूर्णांकों का नंबर लाइन बनाना, तो आप बोलोगे सर 2.5 पूर्णांक नहीं होता, है ना, 2.5 पूर्णांक नहीं होता, इंटीजर नहीं होता। तो बोलोगे इसको नहीं दर्शाना है, ठीक है, तो इसको दर्शाना नहीं है आपको, ठीक है, तो ये नहीं दर्शाइएगा। ये क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या क्या सीखा? तो हमने सीखा कि जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जीरो से छोटी होती है, तो जीरो के बाईं ओर आएंगी। तो इस तरीके से हमने जीरो के बाईं ओर लिख दिया नेगेटिव को, और जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव को लिखा, ठीक है। तो अभी जो आपको दिख रहा है नंबर लाइन आपके स्क्रीन पर, है ना, तो ये नंबर लाइन पूर्णांकों का नंबर लाइन है। इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हमने यही देखा कि नंबर लाइन पर सिर्फ पूर्ण संख्या ही नहीं बल्कि पूर्णांकों को भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। जीरो के दाईं तरफ पॉजिटिव, जीरो के बाईं तरफ नेगेटिव, है ना। तो आपको दिख रहा है कि जीरो के राइट साइड, है ना, दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर को हमने लिखा, और जीरो के बाईं तरफ आपने नेगेटिव नंबर को लिखा। इतनी बातें क्लियर है? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है? चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई एक नंबर को रिप्रेजेंट कीजिए, जैसे मैं कह रहा हूं एक मैं नंबर लाइन बना दिया, आपको बोला जा रहा है कि इस पर माइनस का, माइनस के चार को रिप्रेजेंट कीजिए और तीन को रिप्रेजेंट कीजिए, ये दो नंबर को रिप्रेजेंट करना है, आप क्या करोगे? अगर ये दोनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। इस पे कुछ नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिखोगे सर यहाँ पर जीरो होगा, एक दो तीन चार, ठीक है, यहाँ पर माइनस एक
माइनस दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पांच। अगर मुझे माइनस चार को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, ये जो माइनस चार यहाँ पर दिख रहा है इसको आप थोड़ा बोल्ड कर दोगे इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा माइनस का चार रिप्रेजेंट। ठीक है, ये माइनस चार है। अगर मुझे तीन को रिप्रेजेंट करना है तो तीन को आप यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर देना है ताकि आपको पता चले कि ये हमारा तीन है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नंबर लाइन पर नंबर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये समझ में आया, कैसे नंबर को दर्शाएंगे? तो अभी जल्दी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर जल्दी जल्दी मुझे पोल सेक्शन में दीजिएगा। नंबर लाइन का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43, ट्राई करिए इसको। पूछा जा रहा है माइनस दो को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी कम समय मिलेगा इस क्वेश्चन में, ट्राई करो जल्दी से आंसर करने की। काफी आसान क्वेश्चन है, माइनस दो को आप संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करोगे, कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि माइनस दो को रिप्रेजेंट किया गया है। ये माइनस का दो है, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस टू लिखा हुआ है ना, माइनस का दो रिप्रेजेंट करना। तो देखिए जीरो के दाईं तरफ होगा या जीरो के बाईं तरफ होगा, ठीक है? तीन लोगों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आप आंसर करो, फिर मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। माइनस दो को कौन से ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया गया है, बस यही पूछा गया, कौन से ऑप्शन में माइनस दो को दर्शाया गया है। 10 सेकंड और रुकेंगे फिर इसको एंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। पांच सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, चलिए इसको समझते हैं। यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है? आप बोलोगे सर माइनस दो को रिप्रेजेंट करना है, आपको अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, आपको अगर कॉपी पर ड्रॉ करना होगा तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक नंबर लाइन बनाओगे है ना, आप कुछ नंबर लिखोगे यहां पर जीरो। ठीक है, आपने लिखा यहां पर, आपने लिखा जीरो, इधर आपने एक दो, दाई तरफ एक दो तीन लिखा, बाई तरफ आप लिखोगे माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। तो माइनस दो किधर लिख रहे हो, जीरो के बाई तरफ लिखोगे ना, जीरो से छोटा है वो, तो आप ये वाले नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ये माइनस दो हुआ। तो आप देखोगे यहां पर जीरो है, जीरो के 2 यूनिट पीछे है ना, तो 1 यूनिट पीछे माइनस एक आया, फिर माइनस दो आया है ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है, ऑप्शन ए होगा। हाँ, क्वेश्चन में ही आंसर है, काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको पहचानना था कि कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी में तो दो को दिखाया गया है, ऑप्शन सी में माइनस एक को दिखाया गया है, ऑप्शन डी में माइनस तीन को दिखाया गया है ना, तो ऑप्शन ए सही होगा। तो ये काफी आसान था। अगला क्वेश्चन करिए, ये बताइए मुझे, ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, काफी जल्दी जल्दी आप आंसर कर पाओगे। आंसर पोल में दीजिए, जितना जल्दी आप आंसर दे दोगे उतना जल्दी इसको एंड करके मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तीन कौन से दो संख्या के बीच में आएगा, जीरो और दो के बीच में तीन आएगा क्या, चार और सात के बीच में आएगा, पांच और सात के बीच में आएगा, या दो और चार के बीच में आएगा? तीन कौन से दो संख्याओं के बीच में आएगा, तीन के पहले क्या आता है, तीन के बाद में क्या आता है, बस यही पूछा जा रहा है। चलिए 5 सेकंड और रुकेंगे, 5 सेकंड में इसको एंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए अगर आपने आंसर नहीं किया तो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं,
अभी आप चैट में लिख पाओगे। देखो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है ना, आप सीधे बोलोगे सर तीन कौन से दो संख्या के बीच में आता है, आप बोलोगे सर एक दो तीन चार, अगर गिने तो दो तीन चार ऐसे लिखेंगे, तो तीन दो के बाद आता है, चार के पहले आता है, इसका मतलब तीन जो भी होगा दो और चार के बीच में होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन बी हमारा सही होगा, है ना, बी हमारा आंसर होगा। तो दो से बड़ा है और चार से छोटा है ना, तो बोलेंगे तीन दो और चार के बीच में होगा, ठीक है, ये क्लियर है, ये समझ में आया, इतनी बातें क्लियर है। चलिए तो मुझे जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे कुछ और एक क्वेश्चन पूछूं, अच्छा सी कैसे आंसर हो सकता है, मुझे बताइएगा कि सी कैसे आंसर हो सकता है, सारिका के नाम से जो बच्चे हो आप, देखिए यहां पूछा जा रहा है तीन कौन से दो नंबर के बीच में, तो आप बोलोगे सर दो तीन चार, है ना, तीन दो और चार के बीच में, तो ऑप्शन बी होगा ना, चार और सात के बीच में तीन नहीं आएगा ना, चार सात के बीच में पांच छह आएगा ना, ठीक है। चलिए तो अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए अगर मैं आपसे पूछूं आठ, ये बताइए आठ और पांच के बीच का दूरी बताइए, जल्दी बताइए इन दोनों के बीच की दूरी, तो आपने बोला तीन, ठीक है सभी के आंसर सही है, तीन मात्रक बस लिखना है आपको, तीन मात्रक लिखोगे या तीन इकाई लिखोगे, ठीक है ये सही है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं चार और माइनस दो के बीच की दूरी बताइए, चार और माइनस दो के बीच की दूरी बताइए, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, बोलोगे सर बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटा देते हैं, तो आप क्या करोगे सर चार में से माइनस दो घटाओगे, ऐसे लिखोगे, चार में से दो नहीं घटाओगे, ऐसा नहीं करोगे कि तू आंसर कर दो, ये गलत हो जाएगा, तो चार में से माइनस दो घटाना है, और चार में से माइनस दो घटाने का मतलब चार में दो जोड़ देना है, तो यहां से आंसर आएगा छह मात्रक। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर अगर मैं रिप्रेजेंट भी कर दूं तो जीरो, आप ऐसा कर सकते हो ना, यहाँ पर आपने लिखा जीरो एक दो तीन चार, यहाँ पर आप लिखोगे माइनस एक माइनस दो, अब देखिए माइनस दो और चार के बीच की दूरी कितनी है, तो जीरो के दाईं तरफ आप देखोगे तो आप जीरो के दाईं तरफ आपने देखा तो ये चार यूनिट की दूरी है ना, ये चार इकाई है, ठीक है ये चार यूनिट है, आप ये बाईं तरफ देखोगे तो ये जो दूरी है ये हमारा दो यूनिट दूरी है ना, दो यूनिट दूरी है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये छह मात्रक हुआ या नहीं हुआ ये बताइए, ये क्लियर है, टोटल छह आएगा, चार में से माइनस दो घटा दिया तो चार इस तरफ आया और दो इस तरफ आया, तो आप बोलोगे छह होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर आपसे ऐसा पूछ लू, अगर मैं इसको मिटाकर आपसे पूछूं कि मुझे बताइए जल्दी से माइनस पांच और माइनस तीन के बीच की दूरी, माइनस पांच और माइनस तीन के बीच की दूरी, इसका आंसर क्या होगा, तो दो आंसर आ रहा है, वेरी गुड, जीरो एक दो तीन, इधर लिखोगे, इधर मैं लिख रहा हूं माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, यहां पर लिखोगे माइनस चार, यहां पर माइनस पांच, आप देखोगे इन दोनों के बीच की दूरी एक और ये दो, तो ये दो यूनिट दूरी हो गई, है ना, तो यहां पर आप क्या करोगे बड़ा में से छोटा घटाओगे। अच्छा मुझे बताइए माइनस तीन बड़ा है या माइनस पांच बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, माइनस तीन बड़ा है या माइनस पांच बड़ा है, माइनस तीन बड़ा है, क्योंकि आपको दिख रहा है दाईं तरफ बड़ी नंबर होती है, तो माइनस तीन पहले आ रहा है ना, इसके इधर आप जा रहे हो तो ये नंबर छोटी होती जा रही है, तो जितना भी आप बाएं तरफ जाओगे नंबर छोटा होते जाएगा, तो माइनस तीन बड़ा नंबर है, तो आप बोलोगे माइनस तीन बड़ा है सर, माइनस तीन बड़ा है, माइनस पांच छोटा है, तो माइनस तीन में से माइनस पांच आपको घटाना होगा, तो यहां से क्या आएगा माइनस तीन प्लस पांच, है ना, आपको ये इंटीजर को घटाओ सिखाया गया था, आप बोलोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो घटा दोगे, बड़ा वाला का साइन लगा दोगे तो ये प्लस का टू आ रहा है ना, तो टू बोलोगे, माइनस टू आंसर नहीं होगा, दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखोगे, दूरी हमेशा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है समझ में आया, इतनी सारी चीजें क्लियर है, हाँ या ना, बस एक आंसर और मुझे दीजिए जल्दी से, अगर मैं आपसे पूछ लू, अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस बीस बड़ा है
या -25 बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? यहां पर आप कौन सा साइन लगाओगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आप बोलोगे माइनस का 20 बड़ा है सब, है ना? तो माइनस माइनस में जो नंबर आपको छोटा दिखता है ये वाला, वही बड़ा रहेगा क्योंकि वो माइनस लगा हुआ है ना। तो आप बोलोगे माइनस का 20 बड़ा है तो इस तरफ का साइन लगाएंगे, ठीक है? -25, 25। देखो आप ऐसे करोगे, 25 बड़ा है 20 से, है ना? अगर मैं दोनों तरफ माइनस लगा दूं, है ना, दो तरफ माइनस लगा दूं, तो ये जो साइन इधर का था ये इधर का पलट जाएगा, ठीक है? तो जो नंबर छोटा दिख रहा है माइनस में वो बड़ा रहेगा, ठीक है? चलिए ये सारी चीजें क्लियर है, जल्दी से मुझे यस लिख के बताइए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, अभी होमवर्क नोट करना है आपको।